नमस्कार, पॉलिटॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज एट नाइट। कुलभूषण मामले में भारत को बड़ी जीत, फांसी पर रोक लगी। कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को बड़ी जीत मिली है। आईसीजे ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक को जारी रखा है, साथ ही उन्हें दूतावास की मदद मिल सकेगी। इस मामले में 16 जजों की बेंच ने 15-1 से अपना फैसला सुनाया है। एक पक्ष पाकिस्तान की तरफ गया है। कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है। भारतीय नौसेना से रिटायर्ड जाधव को पाक सेना ने 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। जाधव पर आतंकवाद और जासूसी के मामले के चलते पाक की सैन्य अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। इस पर भारत ने आईसीजे में अपील की थी। कर्नाटक सरकार पर संकट बरकरार, कल फ्लोर टेस्ट से होगा फैसला। कर्नाटक की गठबंधन सरकार के बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सत्ताधारी पार्टी पर संकट का खतरा बरकरार है। आज सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों के इस्तीफे का फैसला पूरी तरह से स्पीकर रमेश कुमार पर छोड़ दिया है, साथ ही विधायकों को सदन में उपस्थित होने या न होने का विकल्प दिया है। गुरुवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के साथ ही सरकार के भविष्य का फैसला हो जाएगा। राज्यसभा में पास हुआ NIA संशोधन बिल, जांच एजेंसी हुई पहले से ताकतवर। राज्यसभा में आज NIA संशोधन बिल को चर्चा के बाद सर्वानुमति से पारित कर दिया गया। ये बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। इस बिल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को ज्यादा अधिकार देने का प्रावधान शामिल है। अमित शाह ने सदन में कहा कि विदेश में आतंकी घटनाओं में हमारे नागरिक निशाना बनते हैं, लेकिन हमारे पास कार्रवाई का अधिकार नहीं है, लेकिन ये अधिकार इस बिल में दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नाराज तो JDS राजी। कर्नाटक सरकार के बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले पर JDS और कांग्रेस दोनों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक ओर कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की है, तो वहीं अदालत में स्पीकर की पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे अपनी जीत बताया है। सिंघवी ने कहा है कि अदालत का फैसला हमारी जीत है। बता दें कि अदालत ने बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए स्पीकर को खुली छूट दी है। भारत का वेस्टइंडीज दौरा 3 से, टीम का चयन 19 को। भारतीय क्रिकेट टीम का वेस्टइंडीज का दौरा 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। इस दौरान टीम को 3 T20 इंटरनेशनल, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। टीम का चयन शुक्रवार को किया जाएगा। माना जा रहा है कि विराट कोहली इस दौरे पर कप्तान बने रहेंगे। वहीं महेंद्र सिंह धोनी, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को आराम दिया जा सकता है। पॉलिटॉक्स न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पॉलिटॉक्स न्यूज के साथ।